प्यारे बच्चों, प्लेटी एलिमेंट्स के साथ हाजिर है आदम जी एकेडमिक सेंटर। ए सेंटर आपके लिए लेके आया। आइए मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स देखें। ये ब्राइटली कलर्ड एक्वेटिक यानी मरीन स्पीशीज हैं। इसके अलावा ये फ्लैटफॉर्म्स, एक टिपिकल फ्लैटफॉर्म्स, प्लेनेरिया, लिवर फ्लू लिवर में मौजूद होता है कैटल्स एंड ह्यूमन बींग्स के। टेपवॉर्म्स ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टिनल एंडोपैरासाइट है। ठीक है, तो आपने इनकी स्पीशीज़ के कलर्स, और इसमें बहुत वैरायटी है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और जनाब दिस फालम इंक्लूड्स 13,000 स्पीशीज़। ठीक है, प्लेटी एलिमेंट्स के, और इनको फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं। एसिलोमेट हैं, फ्री लिविंग हैं काफ़ी, लेकिन कुछ जो हैं वो पैरासिटिक लाइफ भी गुजारते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, मेंबर्स में जो हैं वो मुख्तलिफ साइज़ के हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लेकर 2 से 3 फीट लंबे भी हो सकते हैं, और उनमें ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, जैसे फ्री लिविंग हैं, एक्टोपैरासिटिक हैं, एंडोपैरासिटिक हैं, या तो जिस्म के ऊपर हैं या तो फ्री लिविंग हैं, वो बिल्कुल उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ एक्टोपैरासाइट्स हैं बॉडी के बाहर होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट्स हैं बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ एक्वाटिक हैं और कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी रखते हैं। इसके अलावा जनाब बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी दो हिस्सों में बराबर तकसीम हो सकते हैं, और बॉडी अनसेगमेंटेड है, फ्लैट है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। ठीक है, ऊपर से और नीचे से चपटी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्मलेज मौजूद हैं, एसिलोमेट हैं, सिलोम मौजूद नहीं है। सिलोम की जगह पर ऑर्गन्स के बीच में पैरेन्काइमा भरी हुई है। मेसेनकाइम्स या पैरेन्काइम्स आप जो भी कह लीजिए, दोनों एक ही टिश्यूज के मुख्तलिफ नाम हैं। तो मेसेनकाइम्स जो हैं वो फिल होते हैं स्पेस में ऑर्गन्स के दरमियान, और कैविटी नहीं होती है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम ना प्रोटो नेफ्रीडिया, यानी नेफ्रीडिया जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इन वर्टिब्रेट्स के, और उनसे पहले यानी अभी स्टार्ट हो रहे हैं बनना, तो इस वजह से ये प्रिमिटिव फॉर्म है नेफ्रीडिया की, जिनको प्रोटो नेफ्रीडिया कहेंगे। और ये जो हैं ये फ्लेम सेल्स पर मुश्तमिल है। आपको एंड ऑफ द टॉपिक आपको फ्लेम सेल्स की डायग्राम भी दिखा दी जाएगी। ठीक है, अच्छा जना, वो मैंने बताया कि मेसेनकाइम या पैरेन्काइम टिश्यूज से ये ऑर्गन सिस्टम्स अंदर पैक होते हैं, कोई एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन नहीं होता है। पैरेन्काइमा वर्क्स एज हाइड्रोलिक स्केलेटन, पानी ले झटकों के साथ पुश करने के लिए ये जो टिश्यूज भरे हुए हैं ये काम करते हैं, एक साथ सुखड़ते हैं फिर एक साथ झटके छोड़ते हैं, तो ऑर्गेनिज्म आगे चला जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जैसे गाड़ी घूमती है, ठीक है, आपने रेस छोड़ दी तो चलती चली जा रही है, एक्सेलेटर दबाया तो इस तरह है। बॉडी कवरिंग जो है वो सॉफ्ट है, डेलिकेट है, सीलिएटेड है, थोड़ा सा सीलिया मौजूद हैं, और रॉ शेड बॉडीज भी हैं उसमें, जो सेल्स की आउटग्रोथ हैं जिनको रेबिटेट कहते हैं, हाइडिटेड कहते हैं, और ये प्रेजेंट हैं एपिडर्मल सेल्स के, सेल्स की आउटग्रोथ है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ज़्यादातर जो है वो लिविंग प्लेटेलमेंट्स में मौजूद है। और इनकी काम है एक तो कैप्चर फूड है और दूसरा प्रोटेक्शन है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर, जो एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें एनस मौजूद नहीं है। 7th पॉइंट हमारा हो गया। रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए होगी, कोई लंग्स वगैरह नहीं है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एंडोपैरासाइट्स में होंगी, जो बॉडी अंदर हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए सांस लेते हैं, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। जो एक्टोपैरासाइट्स हैं या फ्री लिविंग हैं उनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होती है रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन जनाब स्पेशलाइज सेल्स, मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लेम सेल्स हैं जो करते हैं, और वो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी कैनाल्स में ओपन होंगे, और फिर वहाँ से वो वेस्ट जो है कैनाल्स के ज़रिए होता हुआ पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पर, बैक साइड पर
एक्सिलेटरी पोर से एक्सपल कर दिया जाएगा वो वेस्ट, ठीक है। अच्छा जनाब, नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक है, सीढ़ी की तरह दोनों तरफ बॉडी के दोनों तरफ चल रही होती है, और इसका इसमें एक ब्रेन है और दो प्राइमरी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं, दोनों पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के साथ, जॉइंट बाय एट इंटरवल्स और बाय ट्रांसवर्स कंज्यूमर्स कमिशर्स कमिशर्स के साथ, ये ट्रांसवर्स कमिशर्स सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं उस तरह ट्रांसफर्स कमीशन से जुड़ी हुई होती हैं। सेंस ऑर्गन्स फ्री लिविंग में पाए जाते हैं, बाकी में ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पैरासिटिक लाइफ गुजार रहे हैं। हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगी, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो वेल डेवलप हैं, मगर फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगी, ठीक है। लेकिन इंटरनल किस तरह, क्रॉस में होगी, सेल्फ में नहीं होती है। अब यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 12 यही बता रहा है कि एनाटॉमी बॉडी एनकरेजेस, बॉडी की एनाटॉमी जो है इस चीज़ का वो करती है, बढ़ोतरी देती है, उस बात को बेहतर तरीके से बेहतर समझती है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो बजाय इसके कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो। एसेक्सुअली जो है ये बाइनरी फिशन या उसके ज़रिए ना बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है इन मोस्ट फ्लैटवर्म्स विद वन और मोर लार्वा स्टेजेस, डायरेक्ट लार्वा में पहुंचते हैं, ठीक है। एक या दो मुख्तलिफ शेप्स स्टेजेस की, लार्वल स्टेजेस की नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपके कंसर्न का नहीं है, ये बीएससी और इंटर बीएससी लेवल का है, तो इसको छोड़ दीजिए। जितना मैंने हाईलाइट किया कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स विद वन और मोर लार्वल स्टेज, तो ये यहाँ तक आप याद करेंगे। इसके बाद 14th ये है कि दी रीजनरेशन प्रोसेस इज वेल मार्क्ड, यानी आपको पता है कि अभी जो पिछले पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे थे फाइलम्स, उनमें रीजनरेशन की पावर ज़्यादा है और वो अभी भी बरकरार है। प्लेनेरिया में आपको अक्सर ये बात नज़र आएगी, और इसे हम आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये रीजनरेशन का तरीका कि ये अगर सर कट गया है तो वो बाकी पीछे बॉडी रिमेनिंग पार्ट्स बना लेगा, अगर सिर्फ बॉडी का सेंट्रल हिस्सा है तो वो भी ऊपर हेड और नीचे टेल बनाकर रीजनरेट कर लेगा, और अगर सिर्फ टेल रह गई है तो वो भी अपने आप को हेड बनाकर कंप्लीट कर लेगा। ये रीजनरेशन की पावर प्लेन एरिया में मौजूद है। अच्छा जनाब, अब हम आपको ये ज़रा स्ट्रक्चर समझा दें जो आपने अभी वर्डिंग में पढ़ा है। देखिए, आई स्पॉट्स मौजूद हैं लेकिन ये फ्री लिविंग में होंगे, यानी सेंस ऑर्गन्स, मैंने अभी बताया था कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो फ्री लिविंग में मौजूद होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जो पैरेन्काइमा से भरी हुई है, एक फेरिंग्स जो है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है माउथ के ज़रिए, ठीक है। तो इस तरह जो है वो फूड ये कैप्चर करने में आसानी करते हैं, ये फ्री लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। एंड ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जनाब, इसमें जेनाइटल पोर है, मैंने कहा था डिस्टल एंड पर पोस्टीरियर साइड पर जो है वो जेनाइटल पोर होगा, जिसके ज़रिए ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा ये फैरिंक्स की जगह है, और ये गैस्ट्रोवास्कुलर यहाँ से जब गुस्सा अंदर आती है तो वो यहाँ पर हजम होने के बाद तकसीम हो जाती है, और इस तरह ये ग्रीन देख रहे हैं आप, यहाँ तक टेल तक जो है वो फूड सप्लाई हो जाती है। इसी तरह जनाब, आप नोट कर रहे हैं कि स्पर्म डक्ट है, टेस्टिस हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ तक आएंगे जेनिटल चैम्बर तक, ठीक है। योग ग्लैंड्स हैं जो कि ओवरी के लिए मौजूद होंगे, यहाँ पर ओवरी मौजूद है, उसको नरिश करने के लिए यहाँ पर योग सेल्स मौजूद हैं, योग ग्लैंड्स मौजूद हैं जो सिक्रीट करेंगे। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम ज़रा सा नर्वस सिस्टम को भी देख लें। या आपने गैस्ट्रो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा, यहाँ पर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा, अब आइए नर्वस सिस्टम को ज़रा समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेन हो गया,
ठीक है, टू ब्रेन्स विथ पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, ठीक है, जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स कहलाएंगी, ये जा रही हैं और इनके दरमियान ये स्टेप्स की तरह, सीढ़ी की तरह जनाब ट्रांसवर्स नर्व्स मौजूद हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, इन्होंने सीढ़ी की तरह बनाया लैडर लाइक, इस तरह जो है ये एंड ऑफ द बॉडी जाती रहेंगी और सारे बॉडी को प्रोवाइड कर रही हैं सेंस, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वो पॉइंट्स मुश्किल लगते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इजी उसमें भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। मोस्टली पैरासिटिक, सम फ्री लिविंग फॉर्म्स आर चीफली एक्वेटिक, ज़्यादातर एक्वेटिक हैं, मेजॉरिटी मरीन में हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं और ज़्यादातर ह्यूमिड एरिया में, ये नमी वाली जगह पर मौजूद होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, थ्री प्राइमरी लेयर्स होती हैं और जो मेसोडर्म है वो ट्रू मसल्स टिश्यूज को बनाने में हिस्सा लेती है, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, अनसेगमेंटेड है, टेप लाइक है या लीफ लाइक है, दो तरह की शेप्स हैं। सॉफ्ट है और कोई सीलिया मौजूद नहीं है और वो आउटग्रोथ मैंने आपको बताया था कि वो मौजूद होती है प्रोटेक्शन के लिए। स्केलेटन नहीं है, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जाहिर बातें अभी बताया था कन्फ्यूजन के जरिए होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है क्योंकि फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट के जरिए जो है वो फैलाई जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर जाए, गैस्ट्रिक कैविटी के जरिए कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। रेस्पिरेशन सिंपली डिफ्यूजन के जरिए होगी जनरल बॉडी सरफेस से, बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। और सेफलाइजेशन, सेफलाइजेशन का मतलब समझ लें कि इसमें सर बनना शुरू हो गया है और सन के अंदर ब्रेन भी बनना शुरू हो गया है, ये नया स्टेप है जो कि इन ऑर्गेनिजम्स में स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये एडवांसमेंट शुरू हो गई है। डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट है क्योंकि एनस नहीं है, और अगर इस हालत में क्या होता है कि ट्रू स्टमक भी एब्सेंट होता है, ज़रूर बात है जब खाना हजम होकर निकलेगा नहीं तो फिर वो स्टमक की ज़रूरत भी नहीं है। फैरिंग्स जो है वो इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर में मौजूद है, फेरिंग्स के साथ कॉम्प्लेक्स इंटेस्टाइन मौजूद है जिसमें सारी फूड डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। लाइक है मेन नर्वस सिस्टम का जो है वो गैंग्लिया या ब्रेन, दो बताए थे आप पेयर ऑफ गैंग्लिया, ठीक है, उस पर मुश्तमिल है, और उसके बाद जो है वो दो एक या तीन लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स की हैं जो ट्रांसवर्स नर्व से कनेक्टेड हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली फ्यूजन के गैमेट्स के जरिए होगी और एसेक्सुअली रीजनरेशन बाइनरी फ्यूजन और रीजनरेशन के थ्रू होगी, ठीक है, बाय फ्यूजन एंड रीजनरेशन, ये रीजनरेशन गलत कट गया, एसेक्सुअली बाय फ्यूजन एंड रीजनरेशन, ठीक है, बाइनरी फिजन होगा, यहाँ पर एक से दो, दो से दो इन टूट के अलग हो जाएंगे, ये गलत जो लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर 11 पॉइंट आपका है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मैंने अभी आपको बताया था क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, सिर्फ ट्रीमाटोड्स में होती है। अच्छा, अब ये ट्रीमाटोड्स क्या, देखिए तीन क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट, तो उसमें ट्रीमाटोड्स जो हैं वो मीडियम सेकंड नंबर की क्लास है और सिस्टोर्स जो हैं वो थर्ड नंबर की एडवांस, सबसे ज़्यादा एडवांस क्लास है। तो हम देख रहे हैं कि ट्रीमाटोड्स में तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है लेकिन सब फर्टिलाइजेशन जो है वो सिस्टोर्स में शुरू हो गई, इसका मतलब है कि एडवांस क्लास में जो ऑर्डर है उसका, क्लास है सॉरी, उसमें जो है फर्टिलाइजेशन एडवांस होती चली जा रही है, ठीक है। ज़्यादातर वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं, बाज जो हैं वो फूड जो इंडस्ट करते हैं उसकी वजह से उनका कलर कभी ग्रे कभी ब्राउन कभी ब्लैक हो जाता है, और कुछ जैसे मैंने अभी डायग्राम्स में दिखाया था कि ब्रिलियंटली कलर्ड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार खुश रंग और बहुत खूबसूरत कलर्स के मालिक भी होते हैं, ठीक है। माउथ और जनरल पोर वेंट्रल सरफेस पर है, वेल मार्क्ड है ट्यूबल एरिया। अब आपको मैं बताऊं कि पहली जो क्लास थी वो ट्यूबल एरिया है, उसके बाद जो है वो ट्रीमाटोड्स हैं और उसके बाद सिस्टोड्स हैं, ये तीन क्लासेस हैं
उसकी प्लैटीहेलमिंथ्स की। तो एडवांसमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ पर नहीं नज़र आएगी, ट्रिमेटोड्स में कुछ नज़र आएगी और सिस्टोड्स में काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, इसी तरह एग जो हैं वो बग़ैर जर्दी के होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर फॉर्म्स में जो हैं वो अंडे में जर्दी नहीं होती, प्रोड्यूस सेपरेटली इन द योक और वेलेटाइन वैचलिन ग्लैंड्स। वो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि ग्लैंड्स अलग से मौजूद है ऊपर ओवरी से, एग प्रोड्यूस होने के बाद उस ग्लैंड्स में से गुजरता है तो सारा जो योक है वो उसके इर्द गिर्द चिपक जाती है और इस तरह ये इसके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, और फिर ये आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था कि लेटरल कैनाल है सिंगल पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया का, जो कि फ्लेम सेल्स या फ्लेम बल्ब से बना हुआ है और इसी के जरिए जो है वो एक्सक्रीशन होती है। एब्सेंट इन सम प्रिमिटिव फॉर्म्स, बाज में जहाँ जहाँ जैसे ट्यूबुलेरिया की कुछ शुरू की स्पीशीज में जो है वो ये फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया जो है एब्सेंट होंगे। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेटरी और सेकेंडरली एक्सक्रीटरी इन्फेक्शन होता है, या तो उनके उनकी बॉडी का सारा एक्सक्रीशन जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, बॉडी की सारी पानी और उनको रेगुलेट करेंगे, और उसके अलावा उनका दूसरा काम जो है वो एक्सक्रीशन है। मेस्ट जो ज़्यादातर एक्सक्रीशन है वो डिफ्यूज हो जाता है बॉडी सरफेस से, तो कम ही काम आता है। ठीक है, एसोलोमेट है, लार्ज फ्लूइड बॉडी कैविटी है नहीं होती इनमें, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी नहीं है, कनेक्टिव टिश्यूज कंपार्टमेंट बना देते हैं गट के और बॉडी वॉल के दरमियान, और ये कनेक्टिव टिश्यूज पैरेन्काइमा कहलाते हैं। ठीक है, गट इज ब्लाइंड सैक, एक ही माउथ है उसका ब्लाइंड सैक, मतलब एक तरफ का मुंह खुला हुआ है दूसरी तरफ से वो बंद है। इंजेशन और डाइजेशन दोनों जो है वो, यानी गजा का दाखिल होना और गजा का बाहर निकाल देना, यानी वेस्ट का बाहर निकाल देना, ये सब कुछ माउथ के जरिए होता है क्योंकि एनस नहीं है, चंद ट्यूबुलेरियंस के अलावा किसी में भी एनस नहीं है। डाइजेशन इन बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल, या तो गट के अंदर होगी या बाहर की डाइजेशन को बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, दीज एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट, मौजूद हैं, लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, पैरासिटिक हैं और एक से ज़्यादा होस्ट पर डिपेंड करते हैं। अच्छा जनाब, ये डायग्राम आपको बता रहे हैं, ये प्लेन एरिया की खास टिपिकल डायग्राम है और इसमें आपने ये नर्व सिस्टम को देखा। इसी तरह यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया भी बॉडी के साथ मौजूद हैं, और इसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो फ्लेम सेल्स ये हैं। ठीक है, फ्लेम सेल्स इस तरह के स्ट्रक्चर में है, ओपनिंग ट्यूब टू बॉडी सरफेस एट बॉडी सरफेस ट्यूब्यूल। ठीक है, जो बॉडी की सरफेस से बाहर निकली हुई है, फ्लेम सेल्स से एक्सक्रीशन हुई, अंदर से फ्लेम सेल्स इस तरह के हैं कि अंदर सीलिया हैं और एब्जॉर्प्शन फ्लूइड को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स मौजूद हैं, और यहाँ से जनाब न्यूक्लियस है, ये सेल्स है, पूरा सेल स्ट्रक्चर है, और इसमें से जो है वो वेस्ट फिल्टर होने के बाद जो